हेलो दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं माँ की कृपा से सब अच्छा होगा, सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी मनमोहक और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपने देश भारत के ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां माँ की योनि की पूजा होती है। ये मंदिर सच में बेहद ही खूबसूरत है और साथ ही इस मंदिर का रहस्य भी काफी पुराना है। दोस्तों, शक्ति साधना का सबसे बड़ा केंद्र है कामाख्या मंदिर। जी हाँ, आज हम आपको इस शक्ति पीठ के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक फैक्ट्स हैं, एक ऐसा धार्मिक स्थान जहाँ पर जो आता है सारे पाप धुल जाते हैं, एक ऐसा स्थान कामाख्या शक्ति पीठ जहाँ की अमीर गरीब सब एक जैसे ही होते हैं। यहाँ पर सिर्फ माँ की बात सुनी जाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में माँ कामाख्या के नाम का जयकारा लगा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफर और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 भाग किए थे। जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का योनि का भाग गिरा था, उसी से कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि यहाँ देवी का योनि भाग होने की वजह से यहाँ माता रजस्वला होती हैं। मंदिर में नहीं है देवी की मूर्ति। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। मंदिर में एक कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह के पास में ही एक मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित है। ये पीठ माता के सभी पीठों में से महापीठ माना जाता है। यहाँ माता हर साल होती है रजस्वला। इस पीठ के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माँ का योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिनों के बाद मंदिर को बहुत ही उत्साह के साथ खोला जाता है। प्रसाद के रूप में मिलता है गीला वस्त्र। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी को रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वो वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भीगा होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। लुप्त हो चुका है मूल मंदिर। कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था। नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त यही थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेंगी। नरक ने शर्त पूरी करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होता देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने की सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है, और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। 16वीं शताब्दी से जुड़ा है मंदिर का इतिहास। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच विहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को इस जगह के महत्व और यहां कामाख्या पीठ होने के बारे में बताया। ये बात जानकर राजा ने इस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव का बनवाया हुआ मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उसी मंदिर के ऊपर नया मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ दिया था, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवाया। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं। भैरव के दर्शन के बिना अधूरी है कामाख्या यात्रा। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्ति पीठ के भैरव हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा मंदिर। कामाख्या मंदिर तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और हर साल जून महीने में यहाँ पर अंबुवाची मेला लगता है। देश के हर कोने से साधु संत और तांत्रिक यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और तंत्र साधना करते हैं। माना जाता है कि इस दौरान माँ के रजस्वला होने का पर्व मनाया जाता है और इस समय ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कामाख्या देवी की योनि के दर्शन करने से तमाम इच्छाएं पूरी होती हैं। कामाख्या मंदिर से कई रहस्य जुड़े हुए हैं, तो चलिए जानते हैं कामाख्या मंदिर की कहानी। कामाख्या देवी करती हैं 3 दिन आराम। एक ओर जहां देश की महिलाएं चाहकर भी मासिक धर्म के दौरान आराम नहीं कर पाती, वहीं कामाख्या देवी के मंदिर की परंपरा उसके बिल्कुल विपरीत है। मासिक धर्म के दिनों में कामाख्या देवी को 3 दिन का आराम दिया जाता है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियमानुसार प्रति वर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी पीरियड्स में होती हैं और उनकी योनि से रक्त निकलता है और साथ ही उनके बहते रक्त से ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है। प्रसाद में दी जाती है खून की रुई। कामाख्या मंदिर हर साल जून में मासिक धर्म के समय 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन इस दौरान मंदिर के आसपास अंबुवाची पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में सैलानियों के साथ साथ तांत्रिक साधु और पुजारी भी मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। इस दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए साधु और पुजारी पर्वत की अलग अलग गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं। इस मंदिर में माँ के दर्शन करने आए लोग माँ के मासिक धर्म के खून से लिपटी हुई रुई को पाने के लिए घंटों लाइन में लगते हैं। ये है कामाख्या देवी की कहानी। धर्म पुराणों के अनुसार पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब माँ सती के प्रति भगवान शंकर का मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहाँ पर ये भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। यहाँ पर माता की योनि गिरी, जिस कारण इसे कामाख्या नाम दिया गया। कामाख्या मंदिर का अंबुवाची मेला। कामाख्या मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती देवी का योनि भाग गिरा था। यही वजह है कि ये मंदिर सती देवी की योनि का प्रतिनिधित्व करता है। सती देवी के स्वह त्याग से क्रोधित होकर भगवान शिव ने विनाश का नृत्य अर्थात तांडव किया था। साथ ही उन्होंने पूरी धरा को नष्ट करने की चेतावनी भी दी थी। इसे देखते हुए भगवान विष्णु ने सती देवी के शरीर को अपने चक्र से 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शरीर का हर हिस्सा पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में जाकर गिरा। यहाँ ये भी कहा जाता है कि यहाँ सती देवी भगवान शिव के साथ आया करती थी। कामाख्या माता तांत्रिकों की देवी। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के 9 वधु के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। पूजा का उद्देश्य। महिला योनि मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। इसकी जगह एक समतल चट्टान के बीच बना विभाजन देवी की योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण ये जगह हमेशा गीला रहता है। इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस जल के नियमित सेवन से बीमारियां भी दूर होती हैं। रजस्वला यानी मासिक धर्म को अशुद्ध माना जाता है। लड़कियों को इस दौरान अक्सर अछूत समझा जाता है, लेकिन कामाख्या के मामले में ऐसा नहीं है। हर साल अंबुवाची मेले के दौरान पास की नदी ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। 3 दिन बाद श्रद्धालुओं की मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी देवी के मासिक धर्म से गीले हुए वस्त्र को प्रसाद स्वरूप लेने के लिए पहुंचते हैं। जनन क्षमता का पर्व अंबुवाची या अंबुवाची मेला को अमेती और तांत्रिक जनन क्षमता के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। अंबुवाची शब्द की उत्पत्ति अंबु और वाची शब्द से हुई है। अंबु का अर्थ होता है पानी, जबकि वाची का अर्थ होता है उत्फुलन। ये पर्व स्त्री शक्ति और उसकी जनन क्षमता को गौरवान्वित करता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे इसे पर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तंत्र सिद्धि और तंत्र विद्या का स्थल। अक्सर ये सोचा जाता है कि तंत्र विद्या और काली शक्तियों का समय गुजर चुका है, लेकिन कामाख्या में आज भी ये जीवन शैली का हिस्सा है। अंबुवाची मेले के दौरान इसे आसानी से देखा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आस्तिक हैं या नास्तिक। अगर आप रहस्यवाद को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। तो दोस्तों, ये थे कामाख्या मंदिर से जुड़े बेहद ही खूबसूरत और दिलचस्प फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,
क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अंत में माता कामाख्या के लिए एक जोरदार जयकारा।